हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे जो कॉम्बिनेशन था एरर्स का, प्रोपगेशन थी वो सम और डिफरेंस हम कर चुके हैं। इसके बाद एरर आएगा, एरर इन प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में एरर किस प्रकार से प्रोपगेट करेगा, तो एरर्स इन प्रोडक्ट में कंबाइन कैसे होंगे कंसीडर करते हैं। प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं जो बराबर है, x जो था वो बराबर होता है a * b के बराबर। आपने a और b को मेजर किया और फिर उसके मेजर करने के बाद x को कैलकुलेट करा, तो आपने a को मेजर कितना किया, a प्लस माइनस डेल्टा a विद एरर लिमिट्स, और b को मेजर कितना करा, a प्लस माइनस डेल्टा b। ये जो मेजरमेंट की ड्यूरिंग जो एरर अकर हुए वो दिखाए गए हैं, टू वैल्यूज a और b थी। आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x को कैलकुलेट करना है। x को कैलकुलेट करने के लिए आप दोनों को मेजर्ड वैल्यूज की उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो x में भी क्या आएगा, एरर, बिकॉज़ दे बोथ कंटेन्स एरर, तो x भी एरर लिमिट्स के साथ कितना आ जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x, प्लस माइनस डेल्टा x क्या था, एरर लिमिट्स। ये करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a इनटू b प्लस माइनस डेल्टा b, दोनों को मल्टीप्लाई करा। यहां से आप क्या करें, x को कॉमन निकालें, x को कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, डेल्टा x अपॉन x। ये जरूर ध्यान रखें, जहां से x को कॉमन निकालने का मतलब ये नहीं है कि डेल्टा को आप लोग छोड़ दोगे, डेल्टा अकेला नहीं बचेगा, डेल्टा x जो है वो कंप्लीट मिला के एक एक जो एरर जो उसको रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा x एक ही चीज है, ये दो अलग-अलग चीजें नहीं है, मतलब x को यहां से कॉमन नहीं लिया जा सकता। मैंने कॉमन लेने के लिए क्या किया, x को यहां से डिवाइड कर दिया, x को यहां डिवाइड कर दिया, x को मल्टीप्लाई करा और x को डिवाइड करा, तो x नीचे भी हो गया और इसके नीचे भी आ गया। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, x / x = 1, x बाहर हो जाएगा कॉमन और यहां इसके नीचे x बचेगा, तो 1 1 प्लस माइनस डेल्टा x / x। यहां कॉमन लिया तो a प्लस माइनस डेल्टा a / a b 1 प्लस माइनस डेल्टा b / b। ये क्या था, कॉमन लेने के बाद अब अपने पास आ गया है, यहां देखो a * b बनता है, ये ब्रैकेट से दोनों बाहर आ गए कॉमन लेने के बाद, a * b, और a * b किसके बराबर था, x के बराबर। मतलब लिखा जा सकता है अगले स्टेप को, 1 प्लस डेल्टा x / x इक्वल टू a b 1 प्लस प्लस माइनस डेल्टा a / a * 1 प्लस माइनस डेल्टा b / b, हम ये लिख सकते हैं। तो यहां से a b जो था वो किसके बराबर है, x के बराबर ही है, तो a b को x के साथ क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। इसको कैंसिल करने के बाद अब आगे जो बचा था वो आगे क्या बचता है, देखें 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस डेल्टा x / x इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया गया, 1 से, 1 प्लस माइनस डेल्टा a / a प्लस माइनस डेल्टा b / b और प्लस माइनस डेल्टा a / a * डेल्टा b / b, प्लस माइनस डेल्टा a / a * डेल्टा b / b। ये आ गया आपका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म बनी वो आ गई। अब देखो कहता है कि एरर्स जो होते हैं, एरर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब डेल्टा a इज वेरी वेरी लेस देन a, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में एरर्स का मैग्नीट्यूड कम होता है, इसलिए यहां इस रिलेशन से डेल्टा a इज लेस देन a और डेल्टा a / a इज वेरी वेरी लेस देन 1। सिमिलरली डेल्टा b / b भी क्या होगा, 1 से बहुत छोटा होगा, और जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों as the both are less than 1, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई किया गया इस स्टेप में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आएगी वो और भी ज्यादा छोटी होगी, वो बहुत ज्यादा छोटी होगी, इसलिए उसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर दिया। तो इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस डेल्टा x / x इज इक्वल टू
ये आपका आ गया एरर इन। देखो ध्यान दें, जब आपने प्रोडक्ट लिया वहां आप लोग सम और डिफरेंस में आप लोग एब्सोल्यूट एरर्स जोड़ रहे थे, लेकिन इस केस में जब प्रोडक्ट की बात होती है तो आप एब्सोल्यूट एरर्स को नहीं जोड़ते। वहां क्या कहा जा रहा था, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, दीस टर्म्स रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट एरर्स। लेकिन यहां इस केस में आप एब्सोल्यूट एरर्स को नहीं ले रहे हैं, यहां इस केस में आप क्या ले रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं रिलेटिव एरर्स को। कौन से एरर्स जुड़े हैं आपकी बात, रिलेटिव एरर्स को। तो जो रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ एरर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एरर्स इन रिलेटिव एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। इंडिविजुअल क्वांटिटीज के अंदर जो रिलेटिव एरर्स थे उनको जोड़ दोगे तो आप प्रोडक्ट के अंदर जो फाइनली आपका आएगा वो कंप्लीट आपका एरर आ जाएगा। कौन सा एरर आएगा, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एरर नहीं आएगा। इसके अगला जो पार्ट आता है उसमें हम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे एरर इन डिवीजन या एरर इन क्वेश्चन। तो डिवीजन जब क्वेश्चन जो आता है, डिवीजन जो आता है, डिवीजन के केस में आप लोग जो एरर को प्रोपगेशन देखेंगे, कॉम्बिनेशन देखेंगे, हाउ दे कंबाइन, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आपको क्या कंसीडर करना होगा, आपको कंसीडर करना होगा एक क्वेश्चन कंसीडर करना होगा, लेट x इक्वल टू a बाय a इज द क्वेश्चन। x को कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप a को मेजर करोगे, मेजर करा तो एरर भी पॉसिबल है, तो एरर यदि पॉसिबल है तो एरर के साथ वैल्यूज आ गई a प्लस माइनस डेल्टा a। उसके बाद कह रहा है कि b को मेजर करा तो उसके साथ उसकी वैल्यू कितनी आ गई, b प्लस माइनस डेल्टा b। दोनों को क्या करा, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करा तो x में भी एरर आएगा क्योंकि x को कैलकुलेट किससे करा गया, इन क्वांटिटीज से, और इनमें क्या था एरर, इसलिए इसमें भी क्या आएगा, एरर आएगा। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। कर लिया, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। x को क्या ले कॉमन, x को कॉमन ले 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, यहां से कॉमन लेंगे तो a 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a अपॉन b इनटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। a बाई b किसके बराबर, ये x के बराबर, यहां से पता चला x के बराबर तो a बाई b को कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। क्लियर, ये आ रहा है एक्सप्रेशन 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इनटू, ये टर्म आप ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b रेज टू पावर माइनस 1, ये नया स्टेप है। यहां आप लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो रेज टू पावर माइनस 1। अभी आप लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पावर माइनस 1 है, इसके लिए इस पावर को सॉल्व करने के लिए वी विल यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन। हालांकि मैथमेटिक्स में आप लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहां के लिए हम लोग एक फॉर्मूला बताते हैं आपको कि 1 प्लस वाई रेज टू पावर प्लस माइनस एन, ये यदि फॉर्मूला है आपके पास कि 1 प्लस वाई उसकी पावर यदि प्लस माइनस 1 आती है तो आप इसको लिख सकते हो प्लस माइनस एन वाई। लेकिन इसके लिए जो कंडीशन है, कंडीशन ये है कि वाई शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1, वाई शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1। हम ये फॉर्मूला यहां यूज करने वाले हैं, मैं डेल्टा बी वाई बी को किसके बराबर कंसिडर करूंगा, y के बराबर मैं उसको कंसीडर करने वाला हूं। किसको कंसीडर करूंगा, डेल्टा b / b को y के बराबर कंसीडर करूंगा। क्या कंडीशन को y less than 1 है, जो बिल्कुल as डेल्टा b is less than, डेल्टा b क्या है, less than है किससे, b से, तो डेल्टा b / b b क्या होगा, less than 1 होगा। क्लियर, और इसी को मैंने लिखा y। तो ये जो अपना स्टेप बनेगा, ये स्टेप कितना आ जाएगा, 1 plus minus डेल्टा x / x is equal to ये as it is 1 plus minus delta a by a as it is आ गया, 1 plus minus delta a by a as it is,
अच्छा इसके बाद यहां आप पुट करोगे तो 1 प्लस ये इसको लिख रहे हो 1 प्लस माइनस डेल्टा b / b को क्या लिखा y लिखा और उसकी पावर कितनी है माइनस 1 यदि आप ओपन करोगे y लिखते हुए ओपन करोगे यहां देखिए एक बार 1 प्लस माइनस y रेस टू पावर किसके बराबर है माइनस 1 जहां y को किसके बराबर दिखाया गया डेल्टा b / b के बराबर इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 1 इनटू y पावर आ गया है ना पावर आ गया है पावर कितनी है 1 पावर आ गया है 1 इनटू y क्लियर तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1 प्लस y रेस टू पावर माइनस 1 बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से आएगा ये बराबर 1 प्लस y के बराबर प्लस माइनस y के बराबर तो पुट करेंगे तो 1 प्लस माइनस y किसके बराबर था डेल्टा b / b के बराबर तो ये आ गया डेल्टा b / b अब आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे पिछले केस में करा था इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a / a प्लस माइनस डेल्टा b / b प्लस माइनस डेल्टा a / a डेल्टा b / b इसको फिर से क्या कर दिया जाएगा नेगलेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि ये दिस बोथ टू आर द दिस टू आर द स्मॉल क्वांटिटीज एंड प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉल क्वांटिटीज इज वेरी स्मॉल तो उसके लिए आपने इसको नेगलेक्ट कर दिया और 1 को 1 से कैंसिल किया एरर लिमिट्स के साथ आया डेल्टा x / x is equal to plus minus delta a / a plus minus delta b / b जो एक्सप्रेशन आया था आपका जो प्रोडक्ट किया था वही एक्सप्रेशन आया तो मतलब यहां भी कौन से एरर्स जुड़ रहे हैं रिलेटिव एरर्स जुड़ते हैं दोनों केसेस में प्रोडक्ट और जब डिवीजन की बात करेंगे तो दोनों ही केसेस के अंदर रिलेटिव एरर्स जुड़ते हैं तो रिलेटिव एरर्स जो जुड़ने के बाद ये एक्सप्रेशन आ गया मतलब मैक्सिमम जो फ्रैक्शनल एरर पॉसिबल है मैक्सिमम एरर डिवीजन के केस में या मल्टीप्लाई के केस में या प्रोडक्ट के केस में जो पॉसिबल है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा x / x इज इक्वल टू डेल्टा a / a प्लस डेल्टा b / मैक्सिमम के लिए मैंने इसमें प्लस साइन को लिया है तो ये था मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरिंग या कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज x एंड y सॉरी इन क्वांटिटी x तो आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए कोई क्वेरी है हो तो उसको बताइए Thank you.